हेलो हाय ऑल द वंडरफुल पीपल वाचिंग माय यूट्यूब चैनल पूजा उपाध्याय ऑल इन वन राइट नाउ। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक म्यूज़ियम की सैर करवाने वाली हूँ, जिसका नाम है द लेडी विल्सन म्यूज़ियम, जो कि वलसाड़ से 30 किलोमीटर दूर धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इस म्यूज़ियम में ऐसी क्या अनोखी बात है, ऐसी क्या डिफरेंट बात है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ। दोस्तों लॉर्ड विल्सन, जो कि पिछले वीडियो में मैं आपको दिखा चुकी हूँ, विल्सन हिल स्टेशन उन्हीं के नाम पे पड़ा है, तो वो मुंबई के गवर्नर थे, उनकी जो पत्नी थी लेडी विल्सन उनके नाम पर ये म्यूज़ियम पड़ा है। पहले महाराजा का सिल्वर जुबली हॉल था, जिन्हें 1922 में महाराजा ने एक म्यूज़ियम बनाने की अनुमति दे दी, और तब से ये मतलब लगभग आप समझे 90 से 100 साल पुराना ये म्यूज़ियम है, जिसमें असली के जानवरों की, वाइल्ड एनिमल्स की डिफरेंट वैरायटी, असली के जानवर 100 सालों से प्रिजर्व करके रखे हैं और बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं। आप लेपर्ड, लॉयन, वाइल्ड फॉक्स एनिमल, पानी में रहने वाले एनिमल्स, बर्ड्स की वैरायटी, इवन वेल, जो बेबी वेल होता है उसका पूरा स्केलेटन, राजा महाराजाओं के वेपन्स, उनके हथियार, उनके कपड़े, पुराने समय में मिलने वाले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, इवन लौकी से बना हुआ भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हमने यहाँ पर देखा। इसके साथ बहुत सारे कॉइन्स की, वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉइन, वहाँ की जो करेंसी है वो यहाँ पर अवेलेबल है। और पुराने ज़माने में अलग अलग कंट्रीज़ में जो डॉल्स, डिफरेंट टाइप की डॉल्स यूज हो सकती वो हैं। पेंटिंग्स हैं 100 साल से भी पुरानी, जिसे देख के आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि 100 साल हो गए। ग्लास से बनी हुई चीज़ें हैं, मतलब पुराने समय में, राजा महाराजों के समय में ग्लास पेंटिंग्स जो हैं, ग्लास के डिफरेंट जो यूटेंसिल्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। कपड़े जो वो पहनते थे राजा महाराजा, डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट वर्क, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आप देख सकते हो। 2 फ्लोर में डिवाइड है ये पूरा म्यूज़ियम। इस पूरे म्यूज़ियम में जो फ़ोटो खींचने की और वीडियो लेने की जो मैंने अनुमति ली, उसके थ्रू मैं आपको इसका पूरा अंदर का व्यू दिखा रही हूँ। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जिनकी मैंने तस्वीर ली, उनके ग्लिम्पसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कई वीडियोस देखी थी, जिससे मुझे पता चला था कि इस म्यूज़ियम की ना फ़ोटो ली जा सकती है ना वीडियो ली जा सकती है, अंदर का मतलब व्यू आप किसी को दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पहुँचने मुझे पता चला कि इसकी एंट्री के पर पर्सन 1 रुपीज़ चार्जेस हैं, और अगर आप वीडियो और फ़ोटो शूट करना चाहते हैं तो फ़ोटो शूट करने के लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, और फ़ोटो और वीडियोज़ दोनों लेना चाहते हैं तो उसके लिए 500 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। तो ये आपको इस म्यूज़ियम की सुंदरता को दिखाने के लिए मैंने फ़ोटो और वीडियो शूट की मनी देकर परमिशन ली है। तो चलिए देखते हैं कि कितना ब्यूटीफुल ये म्यूज़ियम है।